समर्पण की ओर, सत्संग की ओर, सत्संग की गंगा में हम लोग अभी स्नान करने जा रहे हैं। सचमुच अभी दशहरा का पर्व चल रहा है और अद्भुत महीना का पावन महीना है। हम लोग बड़भागी हैं कि आज हम लोग ऐसे ब्रह्म विद्या विहंगम योग सदगुरु सदाफल देव जी भगवान, सदगुरु स्वतंत्र देव जी भगवान का जो गुण रहस्य है, आज उस पर हम लोग बीच एक बहुत ही अद्भुत सदगुरुदेव भगवान के अनुसरण शिष्य जुड़े हुए हैं, डॉक्टर भी हैं और प्रथम भूमि की साधना का शोध किए हैं और उसको अनुभव परक वो प्राप्त किए हैं। आज ऐसे महान हम लोग सेवक से, महान सदगुरु के प्रचारक से, महान सदगुरु के जो अद्भुत प्रचारक हैं उनके मुखारविंद से हम लोग आज श्रवण करने जा रहे हैं। सचमुच सदगुरुदेव भगवान की अपार कृपा है चाहे भाषा समाज को, सदगुरुदेव भगवान की अपार दया है, सदगुरुदेव भगवान की अपार कृपा दया सब कुछ प्राप्त है चाहे भाषा समाज को। सदगुरुदेव भगवान के अनुसरण शिष्य, उच्च कोटि के सेवक, प्रचारक, सेवावर्ती शिष्य हैं परम आदरणीय डॉक्टर रवि प्रकाश जी, जो उनके मुखारविंद से हम लोग ब्रह्म विद्या विहंगम योग का जो आज विमल ज्ञान का श्रवण लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। मैं चाईबासा संत समाज की ओर से, मैं अपनी ओर से मैं आपको अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं सर, आपको नमन करता हूं। डॉक्टर रवि प्रकाश जो सर जी हैं, आप बेंगलुरु में सुप्रसिद्ध मनोचिकित्सक हैं, आपने ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रथम भूमि की साधना के अभ्यास से मानव तन पर हो रहे सकारात्मक प्रभाव पर काफी शोध किया है और आपने उस शोध के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से जो प्राप्त किया है उसका अनुभव पर वाणियों का श्रवण आज लाभ हम लोग प्राप्त करने जा रहे हैं सदगुरु कृपा से। विहंगम योग के क्रियात्मक साधना के अद्भुत परिणामों के आधार पर मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए आपको सर प्रतिष्ठित ग्लोरी ऑफ इंडिया 2013 से पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। सदगुरुदेव भगवान की असीम कृपा से आज चाईबासा समाज आपके अनुभव परक वाणियों का श्रवण लाभ प्राप्त करने जा रहा है। हम लोग बड़भागी हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज के इस ऑनलाइन सत्संग में आप अपने वाणियों के माध्यम से हम सब को कृतार्थ करें। हम सब गुरु भाई बहन ही है। मैं आमंत्रित करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ परम आदरणीय श्री डॉक्टर रवि प्रकाश सर जी को। जय सतगुरुदेव। सबसे पहले तो मेरा आवाज वहां पे आ रहा है क्लियर? जी सर, जी जी जी। अनंत श्री सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है और धन्यवाद प्रार्थी हूँ चाईबासा संत समाज जो कि मुझे इनवाइट किया आज। वैसे तो पिछले कुछ महीनों में जब से ऑनलाइन सत्संग स्टार्ट हुआ है कई बार मैं ये चीज़ दोहरा चुका हूँ, बोल चुका हूँ, फिर भी आज ये बताना चाहूँगा कि ये जो अभी जो वैज्ञानिक जो रिसर्चेस हो रहे हैं विहंगम योग पे, ये सिर्फ मेरे तक लिमिटेड नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैंने बहुत सारा चीज़ इसमें किया, लेकिन एक्चुअली मैं बाकी तौर का अनुसंधान मैंने किया रिसर्च, बाकी सारी चीज़ें फिर बाकी के लोग करते गए, जो और लोग उसमें जुड़ते गए और अनुसंधान होते गया, जैसे जैसे पॉजिटिव फाइंडिंग्स आते गए वैसे वैसे नए नए लोग, नए नए वैज्ञानिक इसको समझने के प्रयत्न करते रहे और वैसे वैसे इसका जो वैज्ञानिक पक्ष है वो और बढ़ते गया। ये अपने आप ही हुआ एक तरीके से, ऐसे समझ सकते हैं आप। आज के दौर में विज्ञान का जो स्कोप है वो इतना बढ़ गया है कि कहीं पर भी किसी को अगर कोई पॉजिटिव फाइंडिंग मिलता है तो इमीडिएटली वो एक ग्लोबल इवेंट बन जाता है। ये इंटरनेट की वजह से कहिए या फिर ऑनलाइन पब्लिकेशंस की वजह से बहुत ही विराट रूप हो गया है वैज्ञानिक अनुसंधानों का। इसीलिए इसका जो शुरुआती दौर था उसमें मेरा रोल था, लेकिन उसके बाद फिर कई सारे, आज के डेट में करीब 25 देशों के वैज्ञानिक, 25-26 होंगे जुड़े हुए हैं और अब तो कुछ दिनों से कुछ नोबेल लॉरिएट भी इसमें जुड़े। इस साल के जो डॉक्टर रोजर पेनरोज जिनको फिजिक्स में नोबेल मिला, वो हमारे एक अनुसंधान जो हम लोग के साथ कर रहे थे उनके पार्टनर हैं। वो पार्टनर मतलब कोलैबोरेटर, डॉक्टर मिकेल कैपोनेगर करके क्वांटम फिजिक्स पे वो रिसर्च कर रहे थे, उन्हीं के मतलब लैब में तो नहीं लेकिन उनसे बहुत सारे आइडियाज शेयर करते रहते हैं वो लोग। तो वो एक ग्रुप है जिसमें से कि एक को इस साल नोबेल मिला।
इसके अलावा डॉक्टर ब्रायन जोसेफसन ने 1973 में नोबेल मिला था उनको। वो अलग अलग टाइप के जो साधनात्मक प्रक्रियाएं हैं उस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो अब ये जो विहंगम योग का जो वैज्ञानिक पक्ष है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है ऑलरेडी। मुझे जब भी ऐसे बोला जाता है कि आप कुछ बताइए तो मुझको ये समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या बोलूँ। देखते हैं, कुछ खाएगा तो खिला देंगे। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग हुआ था झारखंड से ही, रांची से। नया नया मैं वहाँ पे रांची से ही मैंने अपना MBBS भी किया रिम्स से। और रिम्स से करने के बाद जैसे ही मेरा CIP में हुआ वैसे ही वहाँ पे मैंने कुछ कुछ अनुसंधान, वहाँ पे रिसर्च में पहले से इंटरेस्ट था मुझे, तो अनुसंधान कुछ कुछ वहाँ से स्टार्ट किया मैंने। और वहाँ हेलो, पे अक्सर योगा के और ध्यान के अलग अलग प्रक्रियाओं पे अनुसंधान चलता रहता है। CIP का नाम अगर आप लोग सुने होंगे, कांके में जो एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल है, मानसिक हॉस्पिटल, वहाँ पे जी हमेशा कुछ ना कुछ अनुसंधान चलते रहता है। लेकिन ज़्यादातर अनुसंधान बहुत नोन लोगों पे उस समय चलता था जिसका कि ऑलरेडी नाम था, जैसे मुंगेर के योग वाले हैं, उनका ये क्रिया योगा वाले थे उस टाइम पे वहाँ पे रांची में, उनका आश्रम है, वहाँ से करते थे। और भी दो चार ऐसे थे। विहंगम योग का उतना कोई खास, मतलब किसी को पता नहीं था कि विहंगम योग का नाम भी कोई चीज़ है बोल के, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं था और लोग बाहर से बहुत सिंपल दिखते थे, देखने में कोई ऐसा लगता नहीं था कि बहुत इनके अंदर अद्भुत शक्तियाँ होंगी, योगी हैं कहीं के बहुत बड़े, ऐसा बाहर बाहर से नहीं लगता था। तो विहंगम योग के ऊपर भी हम लोगों को कोई अनुसंधान करने का ऐसा कोई खास इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन एक वैज्ञानिक होने के नाते सबके ऊपर अनुसंधान करना, ये मतलब जो भी सामने आए जितना भी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, बिना बायस्ड हुए अनुसंधान करना हमारी ड्यूटी होती है। तो हम लोगों ने बाकी जैसे योगा पे कर रहे थे वैसे ही विहंगम योग का ऊपर भी अनुसंधान करना शुरू किए हम लोग, लेकिन उम्मीद ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ खास आएगा बोल के। लेकिन जैसे जैसे रिसर्चेस होने लगे, जो उसका पहला रिसर्च था उसका फाइंडिंग जब आया था, अभी भी मुझे याद है, इसका जो पहला रिसर्च था वो वही था जब मस्तिष्क के ऊपर 192 चैनल इलेक्ट्रोड लगा के हम लोगों ने इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी नाम का एक अनुसंधान होता है जिसमें मस्तिष्क से कुछ तरंगें निकलती रहती हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, उसी में एक होता है जिसको अल्फा अल्फा तरंगे कहते हैं। वो ये इंडिकेट करता है कि आप कितने शांत हैं, आपके शांति का इंडिकेटर है वो। तो अलग अलग योग के साधनाओं पे या साधक जो योग कर मतलब ध्यान कर रहे हैं, उस ध्यान की स्थिति में उनका कैसे कैसे अलग अलग तरंगे चेंज होती हैं, क्या बढ़ता है क्या घटता है, ये अनुसंधान चल रहा था। तो उसी में विहंगम योग के साधकों पर भी हम लोगों ने शुरू किया अनुसंधान। तो जो पहला हम लोगों ने स्टडी किया, पहला साधक पे स्टडी किया, तो इतना इतना विचित्र फाइंडिंग्स आया कि हम लोग को पहले यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है बोल के। तो उसका पब्लिश्ड है मेरा, आप चाहें तो ऑनलाइन भी देख सकते हैं और मेरे से ईमेल में भी ले सकते हैं आप लोग। हम लोग को ये पता चला कि जब एक साधक ध्यान करता है तो उसके अल्फा तरंगे जो हैं ब्रेन की वो 5 गुना 6 गुना तक बढ़ जाती हैं। कुछ ऐसा फाइंडिंग बाकी में भी था, 1.5 गुना 2 गुना तक बढ़ने का था। उसी में लोगों को लग रहा था कि बहुत अद्भुत चीज़ें हैं, मतलब शायद किसी एक योगा के संस्थान में 1.5 गुना 2 गुना तक फाइंड तरंगों का पावर बढ़ा था, अल्फा अल्फा पावर बढ़ा था। उसी में उन लोगों को बहुत विचित्र फाइंडिंग लग रहा था। तो जब विहंगम योग का ये फाइंडिंग हम लोगों को मिला कि 5 गुना 6 गुना तक बढ़ रहा है, तो हम लोग को यकीन ही करना मुश्किल था कि ऐसा भी होता है बोल के। तो पहला, क्योंकि ये पहला सब्जेक्ट था, ऐसे हम लोगों ने उसको थोड़ा बहुत कॉशन के साथ लिया और दे सोचे कि नहीं और करेंगे तो अगर ये इसमें वास्तविकता है तो बाकी में भी ऐसा ऐसा फाइंडिंग्स आएगा। तो फिर दूसरे तीसरे चौथे पांचवे ऐसे करते करते फिर हम लोगों ने अलग अलग साधकों पे साधना के दौरान में रिसर्च करना शुरू किया। और जितने लोगों में भी करते थे सब में एक से एक फाइंडिंग, किसी में अल्फा का कोहेरेंस बहुत हाई आ जाता था, किसी में अल्फा का पावर बहुत हाई आ जाता था, किसी में थीटा बर्स्ट मिलने लगता था। ये सब बहुत ही मतलब यूनिक फाइंडिंग्स है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि शांति की बहुत उच्चतम स्थिति की फाइंडिंग है। आपका मन आपका मस्तिष्क कितना शांत हो सकता है, किस हद तक शांति की स्थिति में जा सकता है,
ये उसका इंडिकेटर है। तो इतना ज्यादा शांति वाला स्थिति मिलता था, और शांति होने के बावजूद भी ऐसा नहीं था कि वो व्यक्ति नींद में जा रहा है, वो व्यक्ति अलर्ट ही रहता था, अवेयर ही रहता था। इसलिए इसको सचेत वाला शांति हम लोग कहते थे, शांतिमय सचेत अवस्था इसका नाम रखे थे हम लोग, अलर्टफुल कॉन्शियसनेस, या फिर आप कह सकते हैं कि रेस्टफुल अलर्टनेस, ऐसा हम लोग इसका नाम उस समय रखे थे। तो वो व्यक्ति रेस्टफुल भी है, लेकिन वो अलर्ट भी है। ऐसा नहीं कि वो निद्रा में जा रहा है या सो जाएगा, अभी वैसा नहीं था। तो ये बहुत यूनिक फाइंडिंग था, और लगभग सारे सारे साधकों में ऐसे आने लगा। फिर हम लोगों को लगने लगा कि नहीं, इसमें डेफिनेटली ये जो बाहर से जो हम लोग दिख रहा है, कोई व्यक्ति बाहर से कैसा दिख रहा है, और ये जो फाइंडिंग्स आ रहे हैं, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है, जरूर इसकी साधना में कोई बहुत बड़ी बात है। ये हम लोग उस समय समझने लगे, करीब 5-6 साधकों पर रिसर्च करने के बाद ये चीज़ एहसास होने लगा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने और बड़ा बड़ा रिसर्च इस पर स्टार्ट किया। हम लोगों ने फिर डी एडिक्शन पे रिसर्च किया, नशा विमुक्ति पे इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। हम लोगों ने ये देखा कि जो वृद्धावस्था में जो मेमोरी लॉस होता है, अटेंशन का लॉस होता है, उसमें क्या प्रभाव पड़ सकता है। हम लोगों ने देखा डिप्रेशन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। और वहाँ से जैसे जैसे फाइंडिंग्स आने लगे, फिर लोग अलग अलग टाइप से अपना अपना रिसर्च करने लगे। उसके बाद ये तो हो गया साइकियाट्री रिसर्च। फिर क्या हुआ कि जब इसके फाइंडिंग्स पब्लिश होने लगे, तो अलग अलग देशों के वैज्ञानिक, रशिया में एक रिसर्च लोग स्टार्ट किए कि जो विहंगम योग के फाइंडिंग्स है, उसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से कैसे हम लोग पता कर सकते हैं उसके ऊपर। फिर इसी टाइम पे अमेरिका में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च लोग स्टार्ट किए कि जो हम लोग का फाइंडिंग था वो ईईजी से था। इसी टाइप का एक और इंस्ट्रूमेंट होता है एफएमआरआई, एफएमआरआई से वो लोग रिसर्च स्टार्ट किए कि मस्तिष्क में क्या क्या फाइंडिंग्स आता है, और इसको बड़े रूप से देखा जाए। और इतना फाइंडिंग्स आया था कि इटली में एक और रिसर्च स्टार्ट हुआ, जहाँ पे ये पता करने लगे कि ये जो साधनात्मक तरीका है, इसका जो मूलभूत सिद्धांत है, उस सिद्धांत को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो उसके लिए लोग स्वरवेद के ऊपर रिसर्च करने लगे, स्वरवेद के कुछ के ऊपर क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने लगे। अलग अलग चीज़ें जो लिखी हुई हैं, जो यकीन करना मुश्किल है स्वरवेद में, और जो साधकों को अनुभूति होता है, जैसे आंतरिक स्थिति में प्रकाश की अनुभूति होती है, कभी कभी विचित्र शरीर से बाहर निकल जाने का अनुभूति होता है, या कभी कभी कुछ कुछ विजुअल कुछ कुछ दिखाई देना, क्या ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसको थियोरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम फिजिक्स को लेके लोग रिसर्च करने लगे। फिर इसका हृदय पे क्या इफेक्ट हो सकता है, बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, इसके लिए रामैया मेडिकल कॉलेज में रिसर्च स्टार्ट होने लगा। एक रिसर्च हमारे डॉक्टर जिया उल हक, हाँ, मेरे जो मेन उस समय जो रिसर्च चल रहा था, उसमें डॉक्टर जिया उल हक पहले रिसर्चर थे जो हमारे साथ काम करे थे। वो फिर जब यूके गए तो वो अपने लेवल पे इस पे रिसर्च स्टार्ट किए। तो अलग अलग देशों में अलग अलग वैज्ञानिक अपने अपने तरीके से रिसर्च करना इस पे स्टार्ट किए, और लगभग लगभग सारे जगह से अच्छा अच्छा फाइंडिंग्स आने लगा। तो जितना फाइंडिंग्स आया, उतना और ज़्यादा रिसर्च स्टार्ट हुआ। अभी 2014 में एक बहुत बड़ा रिव्यू कंडक्ट किया गया, जिसमें ये पाया गया कि विहंगम योग की साधना जो है, विश्व में जो साधनात्मक प्रक्रियाएं हैं, उसमें टॉप 5 में ये एक टेक्निक है जो डिमेंशिया में हेल्प कर सकता है। उसी तरीके से आजकल तो कहाँ कहाँ लोग पब्लिश करते हैं, मुझे ज़्यादातर पता भी नहीं चलता है। तो कहने का मतलब यह है कि विहंगम योग कई कई तरीकों से विचित्र है। पहला इसमें यह है कि अगर इतना फाइंडिंग्स किसी एक योगा में होता, किसी भी दूसरे योगा में, तो वहां के लोग इतना हल्ला करते, इतना बढ़ा चढ़ा के बात को बोलते। अभी नित्यानंद जी के ऊपर एक स्टडी हुआ था, इतना हल्ला किया उसको, एक ही स्टडी था बस, एक ही रिसर्च, उसको इतना उन लोगों ने हल्ला किया कि उनको ये बताने लगे कि वो भगवान है, परमात्मा है। तो विहंगम योग में क्या है कि यहाँ पे अंदर ही अंदर लोगों के अंदर बहुत कुछ होता रहता है, जो कि वो लोग बताते भी नहीं है, और बाहर से कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं है। इससे ये पता चलता है कि इसमें साधनात्मक जो स्थिति है, वो स्थिति बाकी स्थितियों से बहुत अलग है। यहाँ पे लोगों को उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि इससे कोई बहुत बड़ा धन अर्जित कर लिया जाए, लोगों को शो ऑफ करके कि हमारे पास ये है। यहाँ पे चीजें किसी के भलाई के लिए, किसी के फायदे के लिए होती है, किसी को फायदा हो जाता है ध्यान करने से, उस चीज को लेके लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं। यहाँ पे जो रिलेशन बनता है वो
एक तरीके से प्रेम का कह सकते हैं, या भलाई करने का, एक व्यक्ति दूसरे का भलाई करना चाहता है, उस टाइप का रिलेशन बनता है। जबकि बाकी सब में कई सारे ऐसे संस्थान हैं जो अब आप लोग न्यूज़ न्यूज़ में हमेशा देखते होंगे, कोई ना कहीं कोई ना कोई इन्वॉल्व हुआ गलत काम में। ये इसलिए ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि विहंगम योगा जो है इतना पावरफुल टेक्निक होने के बावजूद भी इसका नाम किसी गलत चीज़ों में या फिर किसी ऐसे चीज़ में जहाँ पे स्पेसिफिकली धन के वजह से ये साधना करना चाहिए, ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप देखिए कोई कुछ कुछ ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे 3 दिन के ध्यान सिखाने के लिए वो लोग लेते हैं 20-20, 25-25 हज़ार सिर्फ 3 दिन का। जबकि विहंगम योग में जो प्रथम भूमि की साधना है वो मुफ्त में बताई जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके लिए चार्ज नहीं करता। आसन प्राणायाम सारी चीज़ें लगभग लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल हो जाती हैं। तो इसमें बहुत ही मतलब सोशल सर्विस टाइप का एक ये है। इसके अलावा विहंगम योग इसलिए भी यूनिक है क्योंकि इसके फाइंडिंग्स, इसमें जो शरीर के ऊपर मस्तिष्क के ऊपर जो प्रभाव है, वैसे प्रभाव और दूसरे जगह पे देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा विहंगम योग की जो सिद्धांत है उसमें बहुत सारी विचित्र बातें हैं। स्वरवेद में जो लिखा है, बड़े स्वामी जी ने जो लिखा है उसमें, वो मतलब सिर्फ लॉजिक के दम पे उतना लिख पाना असंभव है। तो उसके ऊपर फिर लोग रिसर्च कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं साधकों को एक ऐसे लेवल पे क्वांटम क्वांटम फिजिक्स के लेवल पे कुछ ना कुछ अनुभूति होती है जिसको कि वो लोग मतलब आत्मा के लेवल, मतलब चेतना कॉन्शियसनेस के लेवल पे फील करते हैं। तो इस तरीके से विहंगम योग की जो वैज्ञानिक जो स्थिति है, वैज्ञानिक जो बातें हैं, वो बहुत ही विचित्र हैं। अभी तक के जितने भी साधनात्मक पद्धतियां हैं वर्ल्ड विश्व में अवेलेबल, उसमें सबसे ज्यादा विचित्र मेरे हिसाब से विहंगम योग ही है। हाँ, ये बात है कि क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से बाहर निकला नहीं है वैज्ञानिक तौर पे, या ऐसा कहिए कि इसको बाहर निकालना भी उतना आसान नहीं है। हम लोग 2-4 मशीन लगा के देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीज अभी तक कोई साइंटिफिक थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। तो डेफिनेटली विहंगम योग वैज्ञानिक तौर पर वन ऑफ द मेडिटेशन टेक्निक्स है जो अभी विश्व में, पूरे विश्व का बात कर रहा हूँ मैं, जो अवेलेबल है। तो वही है कि अलग अलग लोग अलग अलग, जैसे हार्ट पे फाइंडिंग्स आने लगा आपके हृदय को शांत करता है, इसका फाइंडिंग्स आने लगा कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा इम्प्रूव होता है इससे, इसका फाइंडिंग आने लगा कि आपका जो नशा के प्रति जो इंटरेस्ट है, क्रेविंग जिसको कहते हैं, क्रेविंग, वो कम होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस दो तीन चीज़ें हैं जो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है, पहला बात जो ये ध्यान देना ज़रूरी है कि विहंगम योग के साधना को आप सीख लिए, ध्यान को सीख लिए और कुछ देर तक किए, उसको हम लोग पूरी तरीके से विहंगम योग से जुड़ना शायद नहीं कह सकते। मेरा पर्सनल व्यू है कि जब तक आप रेगुलर साधना में नहीं है, रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक आपके बॉडी पे, ब्रेन पे शायद उतना अच्छा फाइंडिंग नहीं आएगा, पहला बात है। दूसरा बात यह है कि जो आपको बताया जाता, बोला जाता है, मतलब गुरु के माध्यम से या गुरु जिसको डिप्यूट किया है, जो आपका टीचर आपको डिप्यूट किया है, जो बोला जाता है वो भी करना बहुत जरूरी है साथ में। उसके पीछे हो सकता है हम लोगों को एग्जैक्ट रीजन पता ना हो कि क्यों ऐसा करना जरूरी है, लेकिन हम लोगों ने जो रिसर्च किया उसमें यह पाया जाता है कि वो लोग जो विधिवत हैं, जो रेगुलर हैं, जैसे बताया गया है विधि के हिसाब से वो लोग जब करते हैं, तभी उनके शरीर पे, खासकर हृदय पे, मस्तिष्क पे, तभी फाइंडिंग आना स्टार्ट होता है। बहुत सारे लोग हैं जो कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और इसके अलावा जो न्यूट्रिशन पे के लिए जो बोला जाता है, सात्विक भोजन और ये सब बोले जाते हैं, आसन प्राणायाम भी करना चाहिए, ये सब जो लोग नहीं करते हैं उनके ऊपर उतना फाइंडिंग नहीं आता। मतलब विधिवत अकॉर्डिंग
हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो, आ रही है आवाज। हेलो, बहुत कम आवाज आ रही है सर। हेलो, हेलो सर, बहुत कम आवाज आ रही है। हेलो, हेलो, हेलो,